जय श्री राधे कृष्णा साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके सभी इष्ट देव को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। माथे सजे बिंदिया गोल, शीश सजे चूनर अनमोल, खुशियों की बारिश में जाएं भीग, आओ सखी मिलकर मनाएं हरियाली तीज। हरियाली तीज की अनेक शुभकामनाएं मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को। हरियाली तीज कब मनाएं, कैसे मनाएं, क्या पौराणिक कथा है इसके पीछे और किस तरह से इसके पूजन को किया जाए जिससे भगवान श्री भोलेनाथ शंकर देव हमें मनवांछित फल प्रदान करें। श्रावणी तीज या हरियाली तीज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव ने भगवान गोरा की 108 वर्ष की तपस्या को सफल किया था। पूजन के लिए सर्वप्रथम आप बहुत जल्दी सवेरे प्रातःकाल आप उठेंगे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में पुष्प और अक्षत यानी साबुत चावल लेकर माँ गोरा के सामने संकल्प करें कि माँ गोरा, आज इस हरियाली तीज का व्रत मैं करने जा रही हूँ, आप इसे पूर्ण कराएं, आप इसे सफल कराएं। संकल्प लें पहले आप, उसके पश्चात आप विधि विधान से पूजन करें। आपको तीन वो बनाने हैं, काले रेत से बना सकते हैं, काली मिट्टी से बना सकते हैं, उनका जो समतल होना चाहिए नीचे का, उसके ऊपर तीन गणपति महाराज, माँ गौरा और शंकर भगवान, उनकी आपको पूजा अर्चना करनी है। उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, चंदन लगाइए। उसके पश्चात कथा सुनने का भी विधान है, पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पिछले जन्म की कथा इस दिन सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। घनघोर वनों में तुम भूखी प्यासी बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए सूखे पत्ते ग्रहण कर रहती थी। तुम्हारे एक कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते थे। एक समय की बात है कि नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और उन्होंने बोला कि भगवान विष्णु तुम्हारी कन्या की तपस्या से बहुत प्रसन्न है और वो उनको पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, आप अपनी राय दीजिए। आपके जो पिता थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुमको ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तुम वर रूप में मुझे अपने मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने ये बात अपनी सखियों को बताई। तुम्हारी सखियों ने तुम्हें घनघोर वन में एक गुफा के अंदर भेज दिया। वहां जाकर भी तुमने रेत की मेरी पिंडी बनाकर और फिर से घनघोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पिता ने धरती आकाश एक कर दिया, लेकिन तुम नहीं मिले। फिर जब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और फिर तुमसे वर मांगने के लिए कहा, तुमने वर रूप में मुझे ही मांग लिया और मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तुम्हारे पिता भी ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक आ गए। तुम्हारे पिता ने तुमसे घर चलने के लिए आग्रह किया। तुमने बोला कि मेरा अधिकतर जीवन भगवान शिव की पूजा आराधना में व्यतीत हुआ है, मैं उन्हें वर रूप में अपने अंदर ग्रहण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी भगवान शिव से विवाह करने की वचन दें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। तुम्हारे पिता ने ये बात सहर्ष स्वीकार कर ली और हम दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न किया, पूर्ण रीति रिवाज से संपन्न किया। उस दिन श्रावण माह की तृतीया थी, तो उसी दिन से मैंने ये बोला कि जो भी स्त्रियां इस दिन मेरी पूजा करेंगी या तुम्हारी पूजा करेंगी, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, उनके पति की आयु दीर्घ होगी और जो कुंवारी कन्या है उन्हें मनवांछित फल मिलेगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि जो भी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां इस हरियाली तीज को विधि विधान से व्रत करती हैं, श्रद्धा भाव से पूजा करते हुए दिन व्यतीत करती हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी पति की दीर्घ आयु करते हैं, और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए भी हरियाली तीज की पूजा अर्चना और व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि माँ गोरा ने भी ये व्रत शादी से पूर्व ही किया था, कुंवारी अवस्था में किया था, इसलिए कुंवारी कन्या अगर इस व्रत को करती है तो माँ गोरा उन्हें भी मनवांछित फल प्रदान करती। जिस प्रकार माँ गोरा के हृदय में ये बात सुनकर हरियाली छा गई थी, उसी प्रकार प्रकृति में भी उसी दिन सारी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई थी। ये कथा है, इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। उसके पश्चात पूरा दिन ये तीज का जो त्यौहार है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। कुछ जगह तो निराहार रहकर इस व्रत को किया जाता है और अगले दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत को खोला जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसमें व्रत नहीं रखा जाता, केवल पूजा तक और बायने तक ही व्रत रखते हैं। यदि आप आज पहली बार इस हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इसको सरल विधि से रखिएगा।
कोई भी व्रत हो, पूजा हो, मैं उसको सरल तरीके से करने में विश्वास रखती हूँ। उसका कारण एक ये भी है कि आप जो पहले साल करते हैं आगे भी आपको वही करना होता है। कभी आप प्रेग्नेंट हैं या कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी है तो आप जो कठिन चीज़ें हैं उनको कर नहीं पाती हैं। अगर आप आसान चीज़ों से शुरू करती हैं तो आप खुशी मन से उन चीज़ों को कर पाती हैं। तो उतना ही कर पाइएगा जितना कि आप कर सकें, उतना ही आप प्रारंभ कीजिएगा। यदि आप व्रत नहीं रख पाती हैं, आपको भूख सह नहीं है, तो आप फल खा सकती हैं, दूध पी सकती हैं, कोई मिष्ठान भी खा सकती हैं। इस तरह से व्रत रखो, भगवान भाव के भूखे होते हैं। हमेशा भाव से व्रत रखो, आपने निराहार रहा है या नहीं रहा है उससे ज़्यादा महत्व है आपने भगवान की पूजा आराधना किस तरह से की है, उस चीज़ के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना। इस दिन तीज के दिन जो है महिलाओं के घर से यानी मायके से बहुत सारा श्रृंगार का सामान और वस्त्र इत्यादि आते हैं, उन सबको आप धारण करें, 16 श्रृंगार करें, आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें, हरी हरी चूड़ियाँ धारण करें और फूलों से अपने आप को सजाएं। इस तरह से सजते हुए आप 16 श्रृंगार करते हुए मेहंदी का विशेष महत्व है, मेहंदी आप अवश्य लगाएं। मेहंदी आपके बुध ग्रह को मजबूत करती है, शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, खुशहाली आपके जीवन में आती है अगर आप मेहंदी लगाती हैं। झूला झूलने का इस दिन विशेष महत्व है, तो इस दिन संभव प्रयास कीजिएगा कि आप झूला झूल पाएं कहीं भी, चाहे आपको किसी पार्क में जाना हो, कहीं भी इस दिन झूला जरूर झूलेगा। बहुत सुंदर तरीके से आप तैयार होकर इस व्रत को करिएगा, पूजा अर्चना कीजिएगा। और इस दिन बायना निकालने की भी प्रथा है, तो जो सास की थाली है उसके विषय में संक्षेप में मैं बता दूं, जिस समय आप 16 श्रृंगार करके तैयार होकर खड़ी होती है, माँ गोरा को श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करें। बिंदी है, चूड़ी है, मेहंदी है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें माँ गोरा को अर्पित करें, स्वयं धारण करें और फिर अपनी सास के लिए एक थाली में हरे रंग की साड़ी या सूट जो भी वो पहनती हो और उसके साथ सुहाग का सारा सामान रखें और कुछ दक्षिणा रखें। उसके पश्चात आप अपने से बड़ों को वो दें, यदि आपके वहाँ पर सास नहीं है, नंद है या कोई भी बड़ी महिला है जो उम्र में आपसे बड़ी, आप उसको भी दे सकती हैं। यदि आप किसी दूर दूसरे राज्य में, देश में या शहर में हैं तो आप उस दिन अपने से बड़ों को प्रसन्न करने के लिए एक वीडियो कॉल ज़रूर कीजिएगा तैयार होकर, और उस समय पूजन करके आप अपनी सास को वो थाली दिखाइएगा जो आपने उनके लिए निकाली है। हो सके तो कोरियर करिए, नहीं तो उसे संभाल के रखिए कि आप उनको ये देना चाहती हैं, भेंट करना चाहती हैं, उनका आशीर्वाद, उनका आशीष अवश्य ही लीजिएगा। क्योंकि कहते हैं जहाँ पर दवा भी काम नहीं करती है, कोई चीज़ काम नहीं करती है, वहाँ दुआ और आशीर्वाद अवश्य काम करते हैं, वो कभी निष्फल नहीं जाते हैं। भगवान की पूजा अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय की माला का जाप करते रहें और भगवती को प्रसन्न करने के लिए, गोरा को प्रसन्न करने के लिए ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र की माला का जाप करें। माँ गोरा भी प्रसन्न होंगी, माँ शिव भी प्रसन्न होंगे, आपको मन चाहे वर की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, सुख संपत्ति धन धन से आपका घर भरेगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके पति की आयु में वृद्धि होगी। तीज के इस पर्व को आप हंसते खेलते मनाइएगा, खूबसूरत तरीके से तैयार होइएगा, हरी हरी चूड़ियाँ पहनिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बताइएगा कि आपने तीज कैसे मनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको पूरे वर्ष के आने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी मिल सके, उनकी कथा विधि पूजन और यदि आपको कोई कष्ट है उसके निवारण के उपाय भी मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ईश्वर आपकी मदद करें।